हेलो गाइस, और आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं कि आईटीजेई 2019 में जो 2019 में जो आपने अभी अभी एग्जाम दी है उस पे जो कट ऑफ है वो क्या होने वाला है कैटेगरी वाइज और ईयर वाइज जो आपका कट ऑफ है मैं आपको बताने वाला हूँ। 2014 से मेरे पास डाटा है, 2018 तक का, जो कि आपको कट ऑफ रेंज बताएगा कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो अगर इस रेंज में है तो आपको जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जल्दी से वीडियो पर आ रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 में जो मार्क्स रेंज थी जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए वो इस प्रकार है कि जनरल के जो मार्क्स थे वो 74, ओबीसी के 45, एससी के 29, एसटी के 24 और पीडब्ल्यूडी के जो थे पीडब्ल्यूडी के जो मार्क्स थे वो 35 थे। इसी प्रकार मैंने 2017, 2016 और 2015 का डाटा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल के लिए कट ऑफ है वो कम होते जा रहा है, ईयर बाय ईयर जो कट ऑफ है वो कम होते जा रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। और आप देख सकते हैं कि दूसरी कैटेगरीज में भी अप एंड डाउन चल रहा है हर साल। तो आप इसी इसके हिसाब से अगर आपकी रेंज जो जो है इस मार्क्स के अंदर आ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको कॉलेज मिल सकता है। और मैंने 2014 का भी डाटा दिया है इस स्लाइड में, जो आप लास्ट में देख सकते हैं कि 2014 का डाटा है। तो उस टाइम पर जनरल एससी एसटी और ओबीसी में क्या रेंजेस थी वो आप देख सकते हैं। तो 115 मार्क्स थे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 74 मार्क्स, एससी के लिए 53 मार्क्स, एसटी के लिए 47 मार्क्स। इसी प्रकार से ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने आपको एक क्लब करके एक ही स्लाइड में सबको दिखाने की कोशिश करी है। और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताया कि 2019 में जो आपके मार्क्स है अगर वो इस रेंजेज में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंजीनियरिंग की सीट मिल सकती है। जो कि जो रेंजेस है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल में 87 से 92 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, और ओबीसी में 48 से 53 के बीच में, एससी में 31 से 36 और एसटी में 27 से 32। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। तो इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आईटीजेई पे बेस्ड बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ। काउंसलिंग लेवल तक मैं आपके साथ रहूँगा, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वेरी मच।